सच्चिदानंद, आपकी बाय कॉल्स कौन कौन सी होंगी आज? इनफैक्ट बैंक निफ्टी पे मेरा ध्यान है. इनफैक्ट बैंक निफ्टी जिस तरीके से एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में है, इंट्राडे चार्ज अगर देखे तो वहां पर आई थिंक कहीं जाकर 27,000 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट बन चुका है. 26,910 के स्टॉप लॉस के साथ आई थिंक यहाँ पर इंट्राडे के लिए लॉन्ग पोजिशन लगानी चाहिए. 27,180 तक का फ्यूचर में पहला टारगेट होगा. बैंकिंग पे ही फोकस है. इनफैक्ट एक्सिस बैंक काफी लुक्रेटिव रहा है. इनफैक्ट यहाँ पर एक अच्छे कंसोलिडेशन मोड में है. 700 के ऊपर बाय करने की सलाह होगी. 690 का मैं स्टॉप लॉस दूंगा और 725 तक का एक पोजिशनल टारगेट होगा एक्सिस बैंक में. तो ये पर्टिकुलर दो आइडियाज है जो इमीडिएटली एग्जीक्यूट करनी चाहिए. चलिए, तो यहाँ पे एक्सिस बैंक फ्यूचर्स अगर आप देखें, आपको लॉन्ग करके चलना है. और निफ्टी बैंक पे याद रखिएगा, ये टारगेट्स है ना, ये टारगेट्स स्पॉट के नहीं है, ये फ्यूचर्स के हैं. तो इस बात पर ध्यान रखिएगा. आज का हमारा ऑप्शन ट्रेड. ऑप्शन ट्रेड में आज बात करेंगे सच्चिदानंद से. सच्चिदानंद, बताइए आपका ट्रेड कौन सा होगा आज? देखिए, यूपीएल रेडार में इनफैक्ट अगर हम ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर देखें तो काफी पॉजिटिव रन में रहा है. पिछले चार हफ्तों से लगातार उसने अपने हायर का एल्गोरिथम स्ट्रक्चर भी मेंटेन किया हुआ था और 840 के आसपास काफी राइटिंग हुई थी. कॉल राइटर्स थोड़े से अभी थे, बट आई थिंक उस लेवल को भी आज ब्रेक वहां पर एक ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हुआ है. तो आई थिंक वहां पर काफी बड़ी एक्सटेंशन आ सकती है. अराउंड अगर स्टॉक प्राइस ही देखते तो मुझे लग रहा है 870 तक ये पर्टिकुलर मोमेंटम एक्सटेंड हो सकता है. तो इसी लिहाज से 840 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है. इनफैक्ट अभी काफी ऊपर चला गया है स्टॉक. इनफैक्ट 10 रुपए के आसपास हमारी ये सलाह थी. मैं एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस दूंगा यहाँ पर 8.5 का और लॉन्ग पोजिशन बढ़ाने की सलाह दूंगा. 22 तक का इमीडिएट टारगेट इस पर्टिकुलर ऑप्शन से आ सकते हैं.